छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस ने 180 लकड़ी के स्पाइक्स और साथ में 5 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों के पास से 180 लकड़ी से बना हुआ नुकीला स्पाइक भी बरामद हुआ है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जवानों को रोकने के लिए ये नुकीले स्पाइक्स लगाए गए जाते हैं। मामले में सुकमा पुलिस ने जगंदा क्षेत्र में कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आज 201 वाहिनी बेदरे तथा थाना जगरगुंडा से पोस्ट एरिया डोमिनेशन के लिए दूरन दरबा की ओर निकली हुई थी। पोस्ट को देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश किए, जिन्हें दौड़ा कर पकड़ा गया तथा उनसे उनका नाम पूछा गया। नाम पता पूछने तथा उनको अच्छे से चेक करने पर उनके पास से स्पाइक्स, सब्बल, नक्सली पर्चा तथा अन्य प्रतिबंधी सामान मिला। उनसे अच्छे से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि बड़े नक्सलियों के कहने पर आगामी चुनाव के मद्देनजर स्पाइक्स और अन्य पुलिस को नुकसान पहुंचाने के तरीकों को रोड में लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें रिमांड पर भेजा गया।